सो प्लीज आज वो गलती मत करना जो गहजी ने की, नहीं की। गहजी को परमेश्वर ने एक ही बात कही, सिर्फ ध्यान देना जो मैंने कहा है। बहुत आसान है बहनों भाइयों प्रभु के वचन को आपके अंदर से चुराया जाना। दस दिन पहले, बारह दिन पहले मेरे वालिद का ऑपरेशन हुआ, मेरे डैडी का। जब मैंने ये सुना कि उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली है, आई वॉज रियली अपसेट, मैं बहुत दुखी था। लेकिन मैं उस समय अपने आप को ये याद करवाने के लिए तैयार हो गया कि मैंने इतना वचन पढ़ा है, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मैं प्रभु के साथ इतने साल चला हूं, पर आज जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी है, मुझे आज परमेश्वर को दिखाना है कि तू कितना महान है। संकटों में परमेश्वर को उठाना एक अलग ही बात होती है। आपको पगार मिल गई, आपको नया घर मिला, आपको बच्चा पैदा हुआ, आपके घर में बहुत सारी बरकतें आई, उस समय प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान होता है। लेकिन उस समय खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखो जब तुम एक कठिन समयों से गुजरते हो। उस समय अपने हाथों को उठा के उसे महिमा देना सीखो, आदर देना सीखो कि मैं जानता हूं मैं संकट से निकल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू सब बातों में से मेरे लिए भलाई ले आएगा। आई गिव यू प्रेज लॉर्ड, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। चलिए मैं चाहता हूं आपको अपने पास वाले से कुछ बोलना पड़ेगा, बोलो उनको, आपको पता है आपकी जिंदगी में तकलीफें क्यों आई हैं? फिर से बोलो, अब उसको बोलो मैं बताता हूं क्यों आई है, ताकि आपके जीवन में महान महान गवाहियां हों। ए कहिए मेरे पीछे, जब तक टेस्ट नहीं होती टेस्ट मनी नहीं होती। अगर तुम्हारे पास अशांति है तभी तो तुम जान पाओगे वो यहोवा शालोम है। अगर तुम्हारे पास बीमारी है तभी तो तुम जान पाओगे वो तुम्हारा यहोवा राफा है। अगर तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर तुम्हें विजय नहीं मिली है तभी तो तुम जान पाओगे कि वो यहोवा नीसी है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी कमी घटियां हैं तभी तो आप जान पाओगे कि वो यहोवा ईरे है। वो सब बातों में अपने आप को प्रकट करना जानता है। जस्ट वॉक विद गॉड, अपने परमेश्वर के साथ चलते रहिए। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस नहीं, यस। तैयार हैं सब? पीछे वाले भाई लोग, वीआईपी भाई लोग, थैंक यू। ए भाई कैसा है तू? कला कला चश्मा। ओ सिस्टर्स यहां है, हेलो, कैसे हैं बहनों? पति को तंग करके आए तो हंसते क्यों नहीं है आप लोग? ओके, यहां पर कैसे लोग? ओह डीसी, ये बालकनी है। वाह पास्टर जी का चेयर जबरदस्त है, हमारे पास्टर ही जबरदस्त है। लकड़ी कहां है? गुम कर दिया आपने। यू नो मैं डे वन पे यहां पर लकड़ी पड़ी थी। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो अधिक सोचते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड टूडे फॉर द ओवर थिंकर्स, कहिए अधिक सोचना। कितने लोग को ये प्रॉब्लम है मेरे साथ? या मैं बहुत सोचता हूं, कभी कभी जब मैं कुछ नहीं सोचता तो मैं ये भी सोचता हूं कि मैं क्यों कुछ नहीं सोच रहा हूं। ठीक है जी, आइए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, 13 अध्याय। मैं पढ़ रहा हूं 13 का आखिरी वचन। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। मैं चाहता हूं मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को मेरी अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3 आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप करिए। हमारी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। प्रभु का वचन कहता है एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मिस्र जा और मेरे लोगों को वहां से आजाद करवा।
हम सभी जानते हैं कैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उसने उसको देखकर कहा, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन हर बार फिरौन उन्हें ना कहता रहा। आप जानते हैं जब फाइनली वो लोग वहां से बाहर आते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, तब उन्हें एक जंगल के रास्ते से गुजरना था। कहिए जंगल। हाँ, जोर से कहिए। एक विश्वासी की लाइफ में हमेशा जंगल आएगा। इवन जीसस ने भी बपतिस्मा के बाद डेजर्ट फेस किया। जंगल, जंगल क्या है? जंगल इज अ स्कूल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की पाठशाला है आपको कुछ सबक सिखाने के लिए। सबक का मतलब होता है कोई लेसन सिखाने के लिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने मसीह में आने के बाद लोगों से ठोकरें खाई हैं, स्पेशली विश्वासियों से। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, फोन बंद करवाइए मुझसे। किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपका फायदा उठाया। कभी कभी हो सकता है कि आपने एक पास्टर के थ्रू भी ठोकर खाई। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, जीवन में कठिन समय भी आने जरूरी होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों का आना भी जरूरी होता है जो बोलकर आपकी मदद ना करें। क्योंकि जब तक आप ठोकर नहीं खाते, आप परमेश्वर पर निर्भर होना कभी सीख ही नहीं सकते। आप धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, उसी की वजह से आप परमेश्वर पर आज निर्भर होना सीख पाए हो। अगर लोग ही आपकी हमेशा मदद कर पाते, आप यहां कभी नहीं पहुंच पाते। मदर टेरेसा हमेशा एक बात कहती थी, कुछ लोग लेसन बन के आएंगे, कुछ लोग ब्लेसिंग बन के आएंगे। बोथ आर नीडेड। लोगों पे ब्लेम करना बंद करो एंड लर्न इन द स्कूल ऑफ गॉड। परमेश्वर की पाठशाला के सबक सीखना स्टार्ट करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके आज के अनुभव कल आपका प्रचार बनेगा। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, जब मैं कठिन समयों में गया तो किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, एक ने भी नहीं उठाया। ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे पैसों की जरूरत थी पर मेरी किसने भी मदद नहीं की। ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मैंने लोगों पे बिलीव किया कि ये अच्छे लोग हैं, पर उन्होंने ऐसा पलट के मारा मुझे, आप सोच नहीं सकते। पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आई नो ये चीजें होती हैं। बचपन में बहुत सारे घरों में हमारी जो इंडियन मदर्स हैं, हमारी भारतीय मम्मियां हैं, वो बच्चे को स्कूल जाने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले उनको बादाम खिलाया करती थी। कोई है बादाम खाता था? आलमंड्स, एक दो तीन। दही खाते थे? दही, तुलसी के पत्ते, कुछ और चीज। हमारी मां को ये बिलीव था कि हम लोग हैंग डफर, हम लोग का दिमाग है ही बंद, तो वो हम लोग को खिला देती थी ताकि इसका दिमाग वहां पर खुले। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो हम लोग को दूसरी बात पता चली कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। या इट्स ट्रू। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब तक दिल नहीं टूटता दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी आपका परमेश्वर दिल तोड़ने देता है ताकि दिमाग, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बाबू और सोना मोना में पूरी हो जाएगी। यू नो, आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक है तुम्हारा बाबू। और आपकी सोना, सोना नहीं है, जादू टोना है वो। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए जिंदगी में कुछ करना हो तो इन बातों से दूर ही रहना। बर्बाद करना है तो जरूर जाइए। हाँ, ये बोलो मत अभी। अगर आपको जिंदगी बर्बाद करनी है ना, मस्त एक काम करो, किसी से अटैचमेंट में आ जाओ, अच्छे से खराब होगी लाइफ। और मैंने देखा है इन लोगों की बातें, वही सड़ी हुई बातें। गुड मॉर्निंग, खाना खाया, पानी पिया, पानी पूरी खाया, कैसा है, जिंदा है, मर गया, बता। वही सड़ी हुई बातें, वही चैट, पता नहीं क्या मिलता है। अरे उठो, परमेश्वर को ढूंढो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सीक द लॉर्ड। भैया मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, तुम रह तो रहा है और कैसे रहेगा? भैया मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक शायरी, नहीं, इट्स नॉट अ शायरी, इट्स अ फिलोसॉफी, कुछ फिलोसॉफी बताऊं।
किसी ने कहा, सोचते थे जुदा हो गए तो मर जाएंगे, कंबक बुखार भी नहीं आया। ये आजकल के प्यारों में इतना प्यार वो होता था जो पहले होता था, वन मैन वन वुमेन। आज आप छोड़ो कल किसी और को पकड़ेगा, विश्वास करो। तैयार बैठे हैं लोग, आजकल के ब्रेकअप में इतना तकलीफ नहीं होता क्योंकि प्यार है ही नहीं, लस्ट है। वो पहले होते थे लोग लड़की छोड़ के चली जाए, शराब पी पी के मर जाते थे देवदास की तरह। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, वो भी ठीक नहीं था, पर थोड़ा संभलो। आजकल लव और लस्ट दोनों, यू नो, शुगर एंड सॉल्ट दोनों वाइट है, चीनी भी सफेद है, नमक भी सफेद है, ध्यान से खरीदो। लव एल ओ वी ई, कम ऑन, लस्ट एल यू एस टी, दोनों में चार वर्ड्स। जो लड़का आपको शादी से पहले फिजिकल होने की कोशिश करे, आप समझ जाओ ये वही है जिसके लिए आप प्रेयर नहीं कर रहे थे। एक परमेश्वर का जन आपको हमेशा प्रभु की तरफ ले जाएगा। He will lead you to Christ, not to the world. हमारी बाइबल कहती है जब इसराइल के लोग जंगल से होके जा रहे थे, देखो जंगल तो आएगा लाइफ में, क्या करोगे जंगल में? कुड़कुड़ाओगे, इनकन्वीनियंस होगा, कहिए इनकन्वीनियंस, कहिए असुविधा, कहिए इनकन्वीनियंस इज द स्कूल ऑफ गॉड। कभी कभी परमेश्वर आपको कोई सुविधा नहीं देता, ये उसकी पाठशाला है। आप जानते हो जब इसराइल के लोग जंगल में से पार हो रहे थे, मेरी बाइबल कहती है वो बहुत कुड़कुड़ाते थे, दे मर्मर। और एक दिन ऐसा आया जब फाइनली वो कनान पहुंचने वाले थे और उसके बॉर्डर पे खड़े थे। बड़े ध्यान से सुनिए, अब से संदेश शुरू हो रहा है। जब वो उस बॉर्डर पे खड़े थे, परमेश्वर ने मूसा को एक लीडिंग दी, परमेश्वर ने उसको एक अगुवाई दी, परमेश्वर ने कहा 12 लोगों को अलग कर और उन लोगों को बोल उस देश के अंदर जाएं और उस देश का मुआवना करें, रेकी करें, देखें कि इस देश में क्या क्या है। बाइबल कहती है ये लोग वहां पर गए हैं और वहां पर वो 40 दिन रहे हैं, 40 days। यीशु की उपवास प्रार्थना 40 दिन चली थी, मूसा ऊपर 40 दिन गया था, नूह का दरवाजा बंद होने के बाद 40 दिन तक वहीं था। हमारी बाइबल कहती है 40 ऐसा शब्द है जो टेस्टिंग के लिए यूज किया गया, परीक्षा। 40 दिन वो लोग गए, पेड़ चेक किया, जमीन चेक की, घर देखे, वहां की नदियां देखी, वहां पे सब कुछ देखकर वो वापस आए। अब सुनिए उन्होंने क्या किया, 40 दिन 40 रात वो लोग वहां पर रहे, हर चीज उन्होंने ठोक बजा के देख ली। और 40 दिन के बाद ये उनकी खबर है, कहते हैं देश तो बड़ा उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, सच में मूसा उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, लेकिन हम वहां पर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने वहां पर दानव देखे। आई डोंट नो वहां पे से कितने लोग हैं जो जानते हैं दानव होते कौन है। दानव को इंग्लिश में कहा जाता है जाइंट्स, ये हैं इंसान ही, लेकिन बाइबल कहती है इनकी कैटेगरी अलग है, बहुत लंबे हैं, बहुत चौड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं। मैं बचपन में WWE देखता था, कोई देखता था WWE, WWF? कभी आपने एक नाम सुना था आंद्रे द जाइंट? वहां पर एक खिलाड़ी होता था, उसका नाम होता था आंद्रे द जाइंट, इतना लंबा चौड़ा, इतनी बड़ी बड़ी कलमे, आंद्रे द जाइंट। बाइबल कहती है दानव थे ये, जैसे गोलियत एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसको दाऊद ने मारा था। अब इन लोगों ने ना दानव को बहुत ध्यान से देखा था, कहिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, प्रभु से ज्यादा दानव को देखते, दैट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को लेके इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि इतनी सी प्रॉब्लम को वो अपने दिमाग में इतना बड़ा कर देते हैं। यहां देखिए सब, शैतान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, पर याद रखना वो सिर्फ एक काम करता है, वो आपके मन में आपकी तकलीफ को बड़ा बना देता है। हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपको हरा नहीं सकता, पर वो आपको विश्वास दिला सकता है कि आप हारे हुए हो। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, वो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतोगे।
अविश्वास एक ऐसी चीज है जो कभी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारे प्रभु को देखिए, व्यभिचारियों से उसने कहा जाओ फिर पाप मत करना, हत्यारों को उसने क्रूस पे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, लेकिन आपने देखा वो अपने चेलों को अविश्वास पे डांटता था। हत्यारे माफ किए गए, व्यभिचारी माफ किए गए, लेकिन जब लोगों ने अविश्वास दिखाया वो उन्हें डांटता था। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, छाप के लाया था मैं आज, पहले आप देख लो, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार। नहीं आप ऊपर देख रहे थे, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपके अंदर संदेह डालना, आपके अंदर क्वेश्चन मार्क डालना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है? तेरा परिवार विश्वास में आएगा? तेरा पति इतना कठोर वो आएगा? तू नीट के एग्जाम दे पाएगी? तुझे लगता है तू सीए कंप्लीट कर पाएगी? तुझे लगता है कि ये लड़का जो जिसको तूने चुना है ये अच्छा है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कभी फल न खाना? अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। देख रहे हो कैसे संदेहों के साथ बात करता है। शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य है आपको कंफ्यूज रखना, न इधर के न उधर के। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, मीटिंग में भी बैठे रहेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे, देख रहे हो दिमाग चल रहा है, माइंड इज रनिंग, बैठे रहेंगे, वचन चल रहा है, अब बकायदा मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, लोग यहां बैठे रहते पर लॉस्ट है। एक भाई मिला मुझे, ब्रदर क्या प्रचार करते हो? मैंने कहा अच्छा थैंक यू, बता मैंने आज क्या प्रचार किया? मस्त प्रचार किया आपने। मैंने कहा वो मुझे पता है, मैं अच्छा मैं मस्ती करता हूं, लेकिन ये बता मैंने बोला क्या आपने? है ना यहोशु के लिए बताया, मैंने उस मीटिंग में यहोशु के लिए कुछ बोला भी नहीं था। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उसे कहिए तेरे सोचने से ना कुछ नहीं होगा, अधिक सोचते रहना। कुछ लोग का बस चले ना तो वो लोग एक आदमी को पगार पे रख दे कि तू हमारे लिए सारा दिन बैठ के सोच। इतनी सोचने की लोगों को आदत पड़ गई है। कभी कभी तो रात को सो जाते हैं फिर भी दिमाग चलता रहता है। कम सोचो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, डाइवर्ट होना सीखो। मैं जब भी देखता हूं ना मेरा दिमाग नेगेटिव चलता है, मैं अपना फोन चालू कर देता हूं, हे पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा हा। माइंड को डाइवर्ट करना सीखो। दिमाग नेगेटिव चलता है ना, रूम से निकलो, कैसे हो पास्टर जी? हाँ बताइए कैसे हैं आप? ठीक है आप? हाँ खुदा आपको बड़ी बरकत दे। चार चार पेन क्यों रखते हो ये बताओ? दस्तखत करने के लिए एक काफी नहीं है? आप मंत्री हैं मुझे बताइए। आइए खड़े हो जाइए। देखो मैं अपना माइंड ऐसे डाइवर्ट करता हूं, किसी से बात करना शुरू कर देता हूं। अब हमारे प्रिय पास्टर यहां पर हैं। पास्टर जी कैसे हैं आप? अच्छा प्रभु का नमस्कार। पास्टर जी आपने अपने इसके लिए दुआ करिए, क्यों नहीं करते हैं पास्टर जी? प्रभु ने आपको नहीं दिया है, लेकिन पास्टर जी मैं आपको बताऊं आप सुंदर लगते हैं ऐसे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब सेम हैं, आपकी अच्छी, आप सबसे अलग हैं। मैं डाइवर्ट हो जाता हूं जब मैं देखता हूं ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, चला जाता हूं रूम से बाहर निकल जाऊंगा, किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा। और बहन तू कैसी है? तू खुश है ना? अब ये बता तेरे साथ रहने वालों की हालत क्या है? भैया वो तो बड़े दुखी हैं, रोज सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं मजाक करता हूं, मैं सच कहता हूं,
डाइवर्ट होना सीखो, निकल जाओ बाहर, दुआ करो, आराधना करो, वचन पढ़ो, किसी से बात करना शुरू करो, लेकिन अधिक सोचने के वश में कभी मत आओ। इन लोगों ने क्या किया, दानवों को देखा, बाहर आके कहते हैं सब अच्छा है लेकिन जा नहीं पाएंगे। अब देखो इनकी स्टेटमेंट में एक चीज जबरदस्त है, कहते हैं हम इनके सामने टिड्डियों की तरह हैं और इनके सामने हमें ना टिड्डे हैं, टिड्डे ग्रॉस एक टिड्डियों की तरह है, मतलब इतने छोटे इनकी नजर में। चलिए पास जी आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो जाइए, यहां आ जाइए बालकनी में, यहां आ जाइए दो मिनट के लिए, खाली नहीं दो मिनट के लिए भी नहीं, 10 सेकंड के लिए। मैं आपको दानव बना रहा हूं और मैं इजराइली हूं। अब देखो मैं कनान में घूम रहा हूं और ये दानव खड़ा है। ए हंसो मत, अगर एक दानव खड़ा है, मुझे कैसे पता चला कि ये मुझे टिड्डी समझते? मैंने इनसे पूछा, दानव जी बोल। हाँ जी, आपसे एक सवाल है, बोलिए। मैं आपकी नजर में क्या हूं मुझे बताइए? टिड्डी है। अभी अभी इन्होंने मेरे को बोला ना मैं टिड्डी की तरह हूं, पर उन्होंने उन्होंने किसी दानव से बात नहीं की थी। अगर आपने किसी से बात नहीं की थी, आपको पता कैसे चला कि तुम टिड्डी हो? अब मैंने इस दानव से, सॉरी, हिज नेम इज पास्टर रमेश नाग, ओके, ही इज आवर रिस्पेक्टेड पास्टर। ये दानव जो है ये सिर्फ दो मिनट के लिए था, ऐसा ना हो कि कोई बात में कहे कि मैं पास्टर दानव के पास गया था, क्योंकि हम भारतीय लोग मजाक करने में बहुत अव्वल हैं। अब सोचो मेरी बात को, अगर बाइबल कहती है कि उन्होंने ऐसा कहा कि हम इनकी नजर में टिड्डे हैं, कहिए टिड्डे, ऐसे कर भाई, बाजूले को बोल टिड्डे, हाँ बहनों इतना करो, इतना बाजूले को बोलो टिड्डे, या इट्स लाइक अ टिड्डी, वो जो है फिलोसफी, इतने से हैं। अरे तेरे को पता कैसे चला कि तू इनके नजर में टिड्डे है? तूने उनसे बात की? मुझे बताओ तो हम आपकी नजर में कौन है? जब आपने उनसे बात नहीं की तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आप टिड्डे हैं? पता है कैसे? कुछ लोग जो अपने बारे में सोचते हैं ना, उनको लगता है सामने वाला भी मेरे बारे में वही सोच रहा है। दैट इज अ इश्यू। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने चोरी की और मैं पकड़ा गया तो अब हर कोई मुझे चोरी समझ रहा है। जी नहीं, हर कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि बहुतों को तो पता भी नहीं है कि आपने चोरी की थी। हमारे माइंड है ना, माइंड चलने लग जाते हैं। आपको पता है इसराइलियों का प्रॉब्लम क्या था? जब उन्होंने दानवों को देखा ना, उनका दिमाग चलने लग गया। देयर माइंड रनिंग 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 रनिंग। इसे कहते हैं संकट में आने से पहले संकट में पड़ जाना। जब याकूब को पता चलता है कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, लिखा है याकूब संकट में पड़ा। भाई कौन सा संकट? वो मुझे मारेगा, तुझे अभी तक मारा है? नहीं, संकट में आने से पहले संकट में पड़ गया। जब शाऊल ने ओ गोलायत को देखा, उसे पहले से डिसाइड कर लिया मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगा, इसे कहते हैं हार जाना। जब इजबिल ने एहलिया को धमकी दी कि मैं तुझे मार दूंगी, वो लेके भाग गया। आप देख रहे हो ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक है? क्या आप देख रहे हो अधिक सोचना कितना मुसीबत वाला है? ट्रस्ट मी, आपके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, आपका दिमाग चलता रहता है। Your minds are running. मैंने तो बॉम्बे में ऐसे लोग भी देखे, अगर आप उनको कहोगे ना, चार लोग पता है आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, पता है वो लोग क्या कहेंगे? 40 भी बोलने तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन कुछ भाई बहनों को आपने देखा होगा, खाली उनको पता चले कि उनके बारे में कोई खिलाफ बोल रहा है, डिप्रेशन में चले जाते। कितने वीक हो यार तुम, कैसे बढ़ोगे आगे? हमारी बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कब भागेगा? आपको फर्क पड़ता है? हमारे प्रभु को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सामने खड़ा था और प्रचार कर रहा था, पापों से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। यीशु क्यू में खड़े थे, बपतिस्मा लोग लेते जा रहे थे, क्यू में खड़े थे। प्रभु आपने कौन सा पाप किया था? कोई भी नहीं, तो आप बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? धार्मिकता पूरी करनी है। प्रभु लोग आपको गलत समझ रहे हैं। Who cares? किसको फिकर पड़ी है? मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करने आया हूं। आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति पापियों की लाइन में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ता है यार हमें? ये मेरे बारे में ये बोल रही है, मेरी ननद ये बोल रही है, मेरी देवरानी ये बोल रही है, मेरी सासू मां ये बोल रही है, बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपकी दिक्कत थोड़ी है, उनकी दिक्कत है, आप जियो अपनी जिंदगी। आज मॉर्निंग में उठा,
शोल्डर में बहुत पेन था। प्रेयर की, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दोबारा प्रेयर की, फिर भी दर्द था। तीसरी बार प्रेयर की, मैंने कहा प्रभु मुझे प्रीच करना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे खुदा ने एक बात कही, तू ठीक हो चुका है, सिर्फ मन निकाल वहां से। तू ठीक हो चुका है, सिर्फ अपना मन निकाल वहां से। मैंने अपना मन निकाला, ओ मैंने गीत गाना चालू किया, दर्द महसूस होना कम हो गया। पहले इरिटेट कर रहा था, अब महसूस कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। चीजें तब बढ़ती हैं जब उस पर मन लगाया जाता है। आप बच्चे को देखो, कई बच्चे रोते हैं, अब उसको ध्यान से देखो और रोएगा, फटेगा। लेकिन कई बार आप बच्चों को ध्यान भी मत दो, दो मिनट में ड्रामे बंद हो जाएंगे। कुछ कुछ बच्चे तो इतने ड्रामेबाज होते हैं, आपने देखा होगा, आप उनको हाथ में उठाओ, उठाते उठाते जोर से दरवाजे पे मार दो, फट खुद रोएगा। बच्चे जी, आप बच्चे मत बनो, कम ऑन, बी अ ग्रोन अप चाइल्ड, मैच्योर बनो, अपने परमेश्वर के बारे में सोचना सीखो। सबसे दुख की बात बताया क्या थी, परमेश्वर को जानने के बाद भी इन लोगों का बिहेवियर ऐसा था। सब लोगों ने पूरी मंडली का माहौल खराब कर दिया। हम नहीं जा सकते, हम टिटियां हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार परमेश्वर का काम तब खराब होता है जब आप बगैर सोचे समझे बोलना शुरू करते हो। इसलिए नए नियम की किताब में एक व्यक्ति को गूंगा कर दिया गया था। सोचो अगर ये लॉ आज पास हो तो आप में से 80% लोग गूंगे हो जाएंगे, आपकी आराधना में आपका मुंह ही नहीं खुलेगा। बिल्कुल, बिकॉज वी स्पीक सो मच नेगेटिव। आइए अब एक और गहरा जाना है, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, मैं एक साधारण लाइन बोलना चाहता हूं जो बड़ी पावरफुल है। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर इमेजिनेशन इज योर रियल प्रॉब्लम। आपकी तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है, तकलीफ के बारे में जो आप सोचते हो, कल्पना करते हो, वो सबसे बड़ी तकलीफ है।